अदालत में पेशी के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह से बदसलूकी के साथ बाउंसर से धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। वह तलाक के मामले में परिवार न्यायालय में शनिवार दोपहर पेश हुए थे। पत्नी ज्योति से उनका विवाद चल रहा है। कोर्ट परिसर में दोनों पक्ष में शनिवार को विवाद हो गया। 6 महीने पहले कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न के साथ गर्भपात के लिए मजबूर करने और आत्महत्या के लिए वह पत्नी को उकसा रहे थे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बलिया कोतवाली में 6 माह पहले पत्नी ज्योति सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में शनिवार को परिवार न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट बंद था, इसलिए पति पत्नी जज रंजना सिंह के चैम्बर में हाजिर हुए। यहां से निकलते वक्त वहां मौजूद जनता द्वारा पवन के साथ बदसलूकी हुई, निजी बाउंसरों से खूब धक्का मुक्की हुई, उन्हें मारने के लिए दौरा लिया गया। यह विवाद वकीलों से शुरू हुआ। दरअसल अधिवक्ताओं का कहना था कि पवन के निजी सुरक्षाकर्मी कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे, यह नियम के खिलाफ है। उन्हें मना किया गया तो वह उलझ गए, बदतमीजी करने लगे, इसलिए विवाद हुआ। घटना में पवन की खूब फजीहत हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझा लिया। मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। बता दें कि कोर्ट संख्या 125 परिवार न्यायालय में कुछ वकीलों से बहस होने लगी थी। बाद में कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर लिया गया। थोड़ी देर तक हंगामा भी हुआ। मामले को जज ने शांत कराया। पवन की पत्नी ज्योति सिंह बलिया के मिड्ढी की निवासी हैं। उन्होंने 6 महीने पहले कोतवाली में पवन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने मानसिक उत्पीड़न, गर्भपात के लिए मजबूर करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने पवन को पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। ज्योति ने कहा है कि उनकी शादी 6 मार्च 2018 को अभिनेता से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद पवन सिंह व ससुराल वालों ने उनके लुक को लेकर ताना देना शुरू कर दिया। उनकी सास ने उनके मामा से मिले करीब 50 लाख रुपए छीन लिए। प्रताड़ित करने के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक उनका जबरन गर्भपात कराया गया। शराब के नशे में पति गाली गलौज व मारपीट करने लगे। उनसे मर्सिडीज कार की मांग की गई थी। ज्योति ने 22 अप्रैल को फैमिली कोर्ट में अभिनेता के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर किया है। पवन ने 2014 में नीलम से शादी की थी, जिसने 2015 में आत्महत्या कर ली थी।